एक बार फिर वही राष्ट्रपति भवन होगा, एक बार फिर वही मोदी होंगे और एक बार फिर वही 26 मई की तारीख होगी। ২০১৪ के चुनाव में जब मोदी को देश ने प्रधानमंत्री चुना तो 26 मई को ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। और बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि फिर से 26 मई को ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। दिन भी रविवार का होगा और दुनिया फिर से मोदी की तरफ देखेगी। पिछली बार प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई थी और इस बार ये काम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। तैयारी इस कदर तेज है कि अमित शाह ने 21 मई को ही एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुला लिया ताकि बीजेपी को अगर अकेले दम पर बहुमत ना मिले तो उस स्थिति में सभी को साथ लेकर चला जा सके। डिनर की टेबल पर भरोसे का स्वाद बढ़ाया जाएगा। एनडीए के नेताओं को वैसे तो मोदी ने नामांकन भरने के दौरान ही पाले में खींच लिया था। देश के कोने कोने से एनडीए के नेता उनके नामांकन भरने के दौरान वाराणसी पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने प्रकाश बादल के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। और अब ये मौजूदगी 26 मई को एक बार फिर राष्ट्रपति भवन में दिखाई देगी। इस बार मोदी अपने साथ साथ किसे मंत्रिमंडल में रखेंगे इस पर सस्पेंस है, लेकिन शपथ की तैयारी तेजी से चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी का भाषण भी तैयार हो रहा है, बस इंतजार है 23 मई का जब नतीजे आएंगे और अगले ही दिन यानी 24 मई को अमित शाह राष्ट्रपति के पास बहुमत का दावा ठोकते हुए पहुंच जाएंगे और फिर आएगी 26 मई की तारीख जब मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।